लील सर हिरण शिकार प्रकरण के अंदर दूसरे दिन धरना जारी है। मैं धरना स्थल पर हूँ। यहाँ लील सर के मैथ मोटनाथ जी है, पूर्णनाथ जी है, आसपास के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के स्थानीय सरपंच है, नजदीकी ग्राम पंचायतों के सरपंच, डेलीगेट, जिला परिषद सदस्य सहित पर्यावरणविद है, साथ ही बिश्नोई समाज की विभिन्न संस्थाओं के सदस्य यहाँ मौजूद है। दूसरे दिन भी जो है सहमति नहीं बनी है हिरणों के शिकार प्रकरण में पोस्टमार्टम की, क्योंकि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आज दूसरे दिन लगातार जिले भर से ही नहीं, आसपास के कई जिलों से पर्यावरण प्रेमी यहाँ लगातार आ रहे हैं। अब जो ये टेंट आप देख रहे हैं ये कल का लगा हुआ है। अब टेंट जो छोटा पड़ गया है, पीछे नया टेंट लग रहा है। ताजा तस्वीरें आपको उस घटना स्थल पर लगे धरने से दिखा दे रहे हैं। पर्यावरण के लिए जान देने वाला बिश्नोई समाज आसपास के कई जिलों से यहाँ है। पर्यावरण प्रेमियों के अंदर भारी रोष इस बात को लेकर है कि कैसे एक दर्जन से ज्यादा हिरणों का शिकार कर लिया गया। साधु संतों में इस बात को लेकर के भारी आक्रोश है, आखिर कब हिरणों का शिकार रुकेगा। मूल जो प्राणी है, मूक प्राणियों का शिकार किया जा रहा है प्रशासन के नाक के नीचे। वन विभाग की ढिलाई कहे या प्रशासन की अनदेखी कहे, लेकिन कई जनप्रतिनिधि यहाँ है। अभी तिलोक जी पंचायत समिति सदस्य, पूर्व प्रधान धोरीमणा के ताजा राम जी सहित कई लोग पहुंचे हैं। यहाँ पार्टी से ऊपर उठकर एक दिन पहले से लोग यहाँ तैनात है। सभी वर्गों के यहाँ लोग हैं और सब जगह हैं। बड़ा आरोप लोगों का इसलिए है क्योंकि यहाँ जिनके जमीनें हैं 100-100 बीघा एक जमीन एक खेत मालिक के हैं। धोरा है, सुनसान जगह है, साथ ही बरसात का मौसम है, हिरण झुंड के रूप में यहाँ है। जैसा ग्रामवासी बता रहे हैं कि पहले हिरणों के झुंड हुआ करते थे, पानी की यहाँ हिरण नजर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब अंदेशा है भारी संख्या में हिरणों का शिकार किया गया है। आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी है, यहाँ प्रशासन को जिम्मे पर बैठना चाहिए, उन लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन आज आम पब्लिक को, जनप्रतिनिधियों को, यहाँ तक कि साधु संतों को धरने पर बैठना पड़ रहा है जीवों की रक्षा के लिए। जिन पर जिम्मा है, जिम्मेदार जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, कुछ लोगों को डिटेन किया है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ आरोपियों की गिरेबान तक नहीं पहुंचे हैं। लोगों के अंदर आक्रोश है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। यहाँ तक कि सूरों का आतंक है, किसान उनसे परेशान है, साथ ही चोर बकरियों के बाड़े के बाड़े हाथ साफ कर रहे हैं, मंदिरों को तक को नहीं छोड़ रहे हैं, इतना चोरों का आतंक है। लोगों में इस घटना को लेकर लगातार आक्रोश है, लोग धरना देने पर मजबूर है। बरसात का मौसम है, लेकिन लोग घरों से निकल करके हिरण शिकार प्रकरण लीलसर मामले में न्याय दिलाने के लिए पिछले दो दिनों से जुटे हुए हैं। यहाँ डी फ्रीज रखा हुआ है, सम्मान हिरणों के शव को उसमें रखा है, साथ ही रात्रि में यहाँ भजन संध्या का आयोजन किया गया। अभी तक प्रशासन की ओर से आज खुलासा नहीं हुआ है। जब तक इस पूरे मामले पर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ये आंदोलनकारी पर्यावरणविद, वन्य जीव जो प्रेमी है, ये साधु संतों की जमात, सारे लोग आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरने पर जटे हुए हैं। दूसरे दिन के ताजा तस्वीरें धरने की आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।